a South Asian Canadian channel. क्योंकि जो हुन हो रहा ऑलरेडी अब 30,000 तो सालों वर सालों पुराने लड़कियां दे केस पे हुए ने कि लड़कियां दे नाल चीट मुंडे चले गए ने बार प्रॉब्लम्स आ रही ने वो बेचारियां जस्टिस ही नहीं मिलिया इतने सालों वर साल भटक दिया पईयां ने जिहड़ा लवप्रीत दा केस होया इहदे विच जिहड़ी एक नवी गल सामने आई सोशल मीडिया तो ही मैं देखी फिर मेरे को ऑलरेडी 4-5 कंप्लेंट्स आ गईयां सी मेरे को जो कंप्लेंट्स आई उदो बिलीव नहीं हो रहा सी पर जो लवप्रीत ने सुसाइड कर लिया वो बड़ा ही दुखद सी बीइंग ए विमेन मेरा कंसर्न है एक माँ नाल जिन्हों का एक बच्चा तो एक कला कला बच्चा सी चला गया उस तो बाद फिर जिंदी जमीन भी चली गई तो वह भी हुन इंसाफ वास्ते भटक रहे ने हुन जड़ी एक मेन दर्दनाक तस्वीर है ना पंजाब की के पूरे भारत कोर्टा जिहड़े लंबे केस पे हुए ने ना 10-10, 12-12 साल के तुसी बिलीव नहीं करोगे 50% तो ज़्यादा मेरे को कोर्ट दे ही केस आई जा रहे हैं लवली सुसाइड केस तो बाद फ्रॉड मैरिजेज जिहड़ी है वह काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां च ने ते पंजाब स्टेट वेमेन कमीशन ने एक चिट्ठी भी लिखी है कैनेडा दे वजीर प्रधानमंत्री नूं कि फ्रॉड मैरिजेज नूं लैके जिहड़े संज्ञान लैन इस ते मनीषा गुलाटी जी चेयरपर्सन ने साडे नाल ने मैम तुसी चिट्ठी बारे सानूं दस्सो तुसी की एक्सपेक्ट करदे हो देखो उम्मीद तो पूरी है कोशिश की एक क्योंकि साढ़े जो जे लोगों का जड़ा एक रोल है कोशिश करना क्योंकि जो हुन हो रहा ऑलरेडी अब 30,000 तो सालों वर सालों पुराने लड़कियां दे केस पे हुए ने कि लड़कियां दे नाल चीट मुंडे चले गए ने बार प्रॉब्लम्स आ रही ने वो बेचारियां जस्टिस ही नहीं मिलिया इन्ने सालों वर साल भटक दियां पईयां ने उन्दे ते भी मैं बड़ा काम किया है पर जिहड़ा मेन काम है ना भारत सरकार का करने वाला है रूलों च अमेंडमेंट्स जड़ी है जोड़े नियम कानून बने हुए ने तुहानू भी पता होएगा जिहड़ा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोसेस होंदा है उन्दे भारत सरकार का बहुत वड्डा रोल है मुलाकात भी की सी प्रधानमंत्री जी नाल उन्होंने आश्वासन भी दिता पर थोड़ा जिहा लेंथी प्रोसेस होंदा है उम्मीद है आने वाले समय च कुछ ना कुछ अच्छा प्रोडक्टिव निकल के आएगा फिर हुण जिहड़ा लवप्रीत दा केस होया इहदे विच जिहड़ी एक नवी गल सामने आई सोशल मीडिया तो ही मैं देखी फिर मेरे को ऑलरेडी 4-5 कंप्लेंट्स आ गईयां सी मेरे को जो कंप्लेंट्स आईया उदो बिलीव नहीं हो रहा सी पर जो लवप्रीत ने सुसाइड कर लिया वो बड़ा ही दुखद सी मैं उन्होंने परिवार नाल दुख भी सांझा करन पहुंची पर सोवां दी गिनती च मैं इस टाइम 4-500 केस पिया होया मेरे को ही है जड़ा ऑलरेडी मेरे ख्याल NRI सैल इन्हां चीज़ां नूं देखदा जिहड़े NRI दे ना सरकार ने NRI सैल एक बनाया होया कमीशन भी बनया पार्टिकुलरली यह लोग प्रॉपर यही देखते हैं इन्हां चीज़ों NRI दे बट बीइंग ए विमेन मेरा कंसर्न है एक माँ नाल जिन्हों का एक बच्चा तो एक कला कला बच्चा सी चला गया उस तो बाद फिर जिंदी जमीन भी चली गई तो वह भी हुन इंसाफ वास्ते भटक रहे ने साडा मेन कंसर्न है इंक्वायरी होनी चाहिए है जस्टिस होना चाहिए एटलीस्ट सामने आना चाहिए कि कसूर कित्थे सी साडी नज़र च कसूर पेरेंट्स नूं भी बच्चों के उत्ते जिहड़ा छोटी जी उम्र बाहर पाता इंडिपेंडेंट स्टडी कराओ इंडिपेंडेंट विदेश जाना कोई बुरी गल नहीं है पर इन्ना मैच्योर हो दो कि अपने सही और गलत का फैसला ले सकन तो यह एक दुखद तस्वीर है पंजाब की मनीषा जी तुसी एक आवाज़ बन गए हो असं देखते हैं तुहाडे ऑफिस भी बाहर जो काफ़ी बड़ा कट लग्या होया वेमेन का लेडीज़ का उन्होंने एक आवाज़ मिली है बट जे आपां पावर्स की गल करिए पंजाब स्टेट वेमेन कमीशन को उन्होंने एम्बिट के अंदर कितनी पावर्स ने कितना लॉजिकल एंड कंक्लूजन यदा निकलूगा देखो यह तो डिपेंड करता तुहाडी अपनी परसनैलिटी पर पावर तो सिविल कोर्ट वाली पावर ने बड़ा एक अंदर अच्छा प्रोसेस है तुसी बहुत अच्छा कर सकते हो बट तुहानू यह नॉलेज होनी चाहिए है कमीशन कोई जजमेंट नहीं दे सकता बट जिहड़ा आपां वूमेन दे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नूं देख रहे हैं उन्दे लई आपां सरकार नूं खिंच सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन नूं खिंच सकते हैं जिहड़ी होर साडी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है पुलिस उन्दे ते आपां इंक्वायरी बिठा सकते हैं उन्हां नूं खिंच सकते हैं कि औरतां दे नाल धक्काशाही ना होए साडा रोल इन्ना ही है उन्हां दे कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन और रोशनी है जिथों लोग सिस्टम तो थके हुए ने और रोशनी दे लई उन्हां दे नाल स्टैंड लैंदा है पर जिथे तक हुण जिहड़ी एक मेन दर्दनाक तस्वीर है ना पंजाब की के पूरे भारत कोर्टा जिहड़े लंबे केस पे हुए ने ना 10-10, 12-12 साल के तुसी बिलीव नहीं करोगे 50% तो ज़्यादा मेरे को कोर्ट दे ही केस आई जा रहे हैं और जिहड़े साडे पंजाब दे भोले वाले लोग ने ना उन्हां नूं समझाना बहुत मुश्किल है कि कोर्ट केसेस च कमीशन कुछ कर ही नहीं सकता पुलिस डिपार्टमेंट भी नहीं कर सकता एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं कर सकता लोगों का यह दर्द है कि 10 साल हो गए 12 साल हो गए
मेरी एक भारत सरकार नूं तुहाडे चैनल राही भी अपील है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाईया जान। इन्हां जखो जी जिहड़े मैरिटल डिस्प्यूट हुंदे ने, हरासमेंट है, लड़की होवे लड़का होवे समानता दा अधिकार मिलना चाहिए कानून च भी। इन्हां च जल्द जल्द फैसले महीनिया च निबड़ने चाहिए ने ताकि बच्चे मूव ऑन कर सकन, साडी लॉ एंड ऑर्डर दी सिचुएशन च सुधार हो सके। मेरा एक कंसर्न है, पर कमीशन अपने पद्धर ते डिपेंड करता है तुहाडी अपनी परसनैलिटी ते भी। कोई भी होवे, कोई पुलिस अफसर होवे, कोई सरकार दा नुमाइंदा होवे, चाहे गवर्नमेंट खुद ना होवे, तुसी रिटर्न किन्ना करना चाहते हो, तुसी अपनी ही परसनैलिटी नूं चेयर ते बैठ के किन्ना कुछ जस्टिस कर रहे हो, किन्ना कुछ सही नूं सही ते गलत नूं गलत कहिंदा मादा रखते हो। समटाइम तुसी भी एक चैनल तो देखो समझते हो सिस्टम नूं भी, लोकी जजमेंटल भी हो जाते हैं, उदों दुख हुंदा है, पर कई बार यह फिर सोच के अपना मन शांत कर लीदा है कि शायद इंसान कोई भी बुरा नहीं हुंदा, जिहड़ा अनुभव हुंदा है ना वो इंसान नूं जजमेंटल होने पर मजबूर कर देता, जिहड़े बैड एक्सपीरियंस लाइफ विच होए हुंदे ने। पर उम्मीद करनी आ कि जिहड़े पंजाब दी ये दुखद तस्वीर है ना, समाजिक ताना बाना, इन्हें किते ना किते रिस्पोंसिबल लोग खुद ने, जिहड़ी अपनी एक ते पावर उन्हें सही इस्तेमाल नहीं करते। सिस्टम नूं बदलांगे किवें? कल्ली मनीषा गुलाटी पंजाब नहीं ठीक कर सकती, मेरे वास तो बाहर है, पर मेरी एक कोशिश है। मैनूं ऐ लगता है जे मेरे को 10 केस आ रहे ने, 10 चों जे मैं 5 भी ठीक कर पावां तो यह मेरी बड़ी वड्डी सैटिस्फैक्शन है। मैनूं यह सुकून दिंदी है चीज़, पर कि मैनूं यह दुख तो नहीं है, रिग्रैक्ट तो नहीं रहेगा कि मैं कोशिश ही नहीं की। जे उस तरह सारियां गवर्नमेंट्स, सारे वड्डी सीनियर लॉबी ऑफिसर्स काम नूं अपनी इमोशंस नाल रिलेट कर लैन, और ये जिहड़े लोग भी ने इस चीज़ नूं समझन कि आपां जे मैं कोई मैसेज देना चाहनी हाँ उन्दे ते थोड़ा जा गौर करन ते बहुत कुछ चेंज किया जा सकता। उम्मीद करती हाँ कि आने वाले टाइम विच जे लोग हुण भी ना समझे ना इस चीज़ नूं, जो मैं कई वारी इनडायरैक्टली मैसेज देंदी रहनी हाँ, ते फिर मैं भी एक दिन थक के बैठ जाऊँगी कि नहीं मैं अपना ऑफ द कैमरा काम करा। ठीक है, लोग नहीं सुनना चाहते, लोग एक अच्छाई नूं एक्सैप्ट नहीं करना चाहते, ठीक है फिर ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਫਿਸਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਮੈਮ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਲ ਵਰਸਿਸ ਫੀਮੇਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਟਗਲ 'ਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨ ਮੇਲ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੋਰ ਦਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਮੈਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਟਗਲ 'ਚ ਦੇ ਆਰ ਇਕੁਅਲੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਨ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਔਰਤ ਔਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟ ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਅ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਰਦ ਦੀ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਰਦ ਕੋਈ ਏਲੀਅਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰੋਂ ਕੁੱਦ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ, ਭੈਣ ਦਾ, ਬੀਵੀ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਸਟਿਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ NRI ਲੜਕਾ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰੋਚ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਸਕਾਮਤਾ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਅ 'ਚ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਿਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੰਸਰਨ, ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਮੇਰਾ ਯੂਥ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਇਕੁਅਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਵਿਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਔਰਤ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ? ਨੋ, ਇੱਕ ਮਰਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੈ, ਭੈਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਦਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ 'ਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਵ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਲੇਟਿਡ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ 'ਤੇ ਹੀ ਫੋੜਿਆ, ਬਲਕਿ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਆਰ ਪੀਪਲ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸਮਾਰਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਉੱਥੇ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਬੜਾ ਓਨਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਉਦੋਂ ਦੇ ਗਏ। ਬਟ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ, ਅੰਬੈਸਡਰ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ,
आई होप कि आने वाले दिन आज टाइम मिल जाएगा। मेरी यही प्लानिंग है, सारी एम्बेसीज से जितने जितने साढ़े बच्चे ने घुमा फिरा के जवाब देंगे, ठीकड़ा इमीग्रेशन उन्दे ते थोप गए, बल्कि प्रधानमंत्री खुद ही बहुत अच्छा इनिशिएटिव लै सकते हैं। पर कोई नहीं, आप भी पिछा नहीं छोड़ा, अपनी सरकार को भी पुश ऑन करते रहेंगे, भारत सरकार के भी पिछे लगे रहेंगे, कंसर्न मेरे यूथ और अपने सीनियर सिटीजन। एक आखिरी सवाल, यंग बच्चे ते उन्होंने मापिया नूं तुसीं की सुजेशन करोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जद्दोजहद हैगी है, लोग अपने पहलियाँ बेच के, जमीना बेच के, घर बेच के जिहड़े बाहर दा रुख करदे ने। बड़ा स्ट्रोंग, बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा स्ट्रोंग मैसेज है। शादी प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, इंडिपेंडेंट बनाओ, पैरों पर खड़ा करो। जो अपना फ्यूचर बेहतर बनाना चाहते हो, अपने वर्तमान में जियो, अपना आज ठीक करो, आज किवें ठीक करोगे, खुद स्ट्रोंग होवो, अपनी औलाद में अच्छे संस्कार दो, उन्हों का बुरा और भला तुहानू एक्सपीरियंस है, तुसी जीवन में अनुभव किया, जीवन जिया है। बच्चे जिहड़ी नवी शुरुआत करना चाहते हैं, उन्होंने मार्गदर्शक बनो, तो यही मैसेज। मनीषरी लास्ट एक सवाल, ईवन कैनेडियन जिहड़ी कंट्रीज़ ने, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़, उत्थे भी पंजाब दी साडी कुड़ियां हैगियां जिन्हां नाल की सेम सिचुएशन हैगी है, उन्होंने हसबेंड्स भी उन्होंने या वाइफ उन्होंने छोड़ के किसी होर कंट्री चले जाते हैं, तो कहिंदे अप्रोच, क्योंकि हैगे तो वो भी इंडियन सिटीजनस ही हैगे आ। देखो, जिथे तक एक लड़की का बड़ा दर्दनाक फोन अमेरिका तो आया सी, हसबेंड छड़ के चला गया, बच्चा उनकी झोली च पा गया, अमेरिका जाके शरणार्थी बन गया, यह कुछ बहुत दर्दनाक स्टोरियां ने। कल भी मेरी एक कैनेडा तो फ्रेंड प्रीति है, उत्थे बहुत एक्टिव है, उन्होंने मैंने दसिया कि बड़ी दर्दनाक स्टोरी है। मैं इस चीज़ को नकारिया नहीं जा सकता, पर हाँ, वाई नॉट वो अप्रोच कर सकदियां ने, जे मेरे पंजाब दियां ने, मैं पूरी कोशिश करांगी कि कितने ना कितने उन्होंने भी एक कोशिश की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल वाई नाल गल करन वास्ते, मनीषा गुलाटी जी, जो कि आवाज़ बन के उभरे ने इस टाइम, असं ऑफिस भी देख सकते हैं, पूरे पंजाब जिहड़ा एक अलग जिहा जिहड़ा माहौल बनया होया, तो कितने ना कितने उन्होंने उम्मीद है, असं आस करांगे कि उन्होंने उम्मीदां ते कायम उतरनगे। धन्यवाद। A South Asian Canadian channel.